हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। सो दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 से भी ज़्यादा सिरप्स के बारे में जो मेनली बच्चों में दी जाती है। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा बच्चों में जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि फीवर, पेन, इन्फेक्शन, नाक में इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन या फिर नोजिया वॉमिटिंग जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में हमें कौन सी सिरप देनी चाहिए, उसका क्या डोज होना चाहिए और साथ ही उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। कॉमन यानी कि जो सामान्य प्रॉब्लम होती है बच्चों में, छोटे बच्चों में, उनके बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है फीवर। फीवर आमतौर पर किसी भी बच्चे को किसी भी वक्त आ सकता है। नेक्स्ट है कोल्ड फीवर यानी कि हाइपोथर्मिया, मतलब ठंडा फीवर किसी पेशेंट को बहुत जल्दी आ जाता है ठंडा फीवर। नेक्स्ट है पेन, जब भी किसी पेशेंट को पेन होता है तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। दस्त लगना, कफ, कान में इन्फेक्शन, नोज़ में इन्फेक्शन या फिर ओटाइटिस मीडिया यानी कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है जो अपने कान में, उसमें इन्फेक्शन, मुंह में इन्फेक्शन या फिर उल्टी होना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है जो कि छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। आगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं यानी कि सामान्य समस्या बच्चों में, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिरप दी जाती है डॉक्टर द्वारा उसका हम नाम देखेंगे, उपयोग देखेंगे यानी कि यूजेज एंड डोज, मतलब इसका क्या मात्रा होती है बच्चों में देने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिरप है उसका नाम है सिफिक्सिंग। और इसके यूजेज के बारे में बात करें तो ये ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान में किसी अगर बच्चे के इन्फेक्शन हुआ है तो, नोज इन्फेक्शन यानी कि नाक का इन्फेक्शन, दूसरा है टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन यानी कि टॉन्सिल जो गले में प्रेजेंट होता है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, वो लाल हो जाए या फिर सब वाइट हो जाए तब, साथ ही लंग्स इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में जब भी किसी बच्चे की इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें जो सिरप देनी चाहिए वो होती है सिफिक्सिन। मार्केट में ये सिफिक्सिन नाम से अवेलेबल हो जाती है। डोज के बारे में बात करें तो ये 8 mg/kg, मतलब 8 mg/kg के हिसाब से इसे देते हैं और बीड़ी में चलती है, मतलब दिन में 2 बार इसे दे सकते हैं सुबह शाम। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है, मतलब कॉमन प्रॉब्लम वाली नेक्स्ट सिरप, उसका नाम रहता है सिप्रोडॉक्सिन। नाम मार्केट में ये सिप्रोडॉक्सिन नाम से ही अवेलेबल हो जाती है और ये इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है। यूजेज यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ईयर इन्फेक्शन, यदि किसी बच्चे की ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में सिप्रोडॉक्सिन जो सिरप है इसका उपयोग किया जाता है। मेनली इसका यूज जो होता है वो होता है ओटाइटिस मीडिया यानी कि मध्य कान, टिम्पेनिक, जब भी किसी पेशेंट के टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें सिप्रोडॉक्सिन सिरप देनी चाहिए। नेक्स्ट है नोज इन्फेक्शन यानी कि नाक में इन्फेक्शन हो जाता है तब, और लास्ट है लंग्स इन्फेक्शन यानी कि लंग्स में यानी कि फेफड़ों में जब भी किसी पेशेंट के इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें सिप्रोडॉक्सिन जो सिरप है उसका उपयोग करना चाहिए। डोज के बारे में बात करें तो इसको 100 mg देते हैं पर केजी के हिसाब से और ये दिन बीडी चलती है, बीडी मतलब दिन में 2 बार इसे दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी मोस्ट पॉपुलर सिरप एजिथ्रोमाइसिन सिरप, जो कि एंटीबायोटिक कैटेगरी में आ जाती है। उपयोग के बारे में बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब भी किसी पेशेंट यानी कि बच्चों में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाता है उस कंडीशन में, टंग इन्फेक्शन, जब भी किसी पेशेंट के टंग यानी कि जीभ में इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में, नेजल कैविटी, बच्चों में आमतौर पर देखा जाता है कि नाक के आसपास इन्फेक्शन हो जाता है, रेडनेस आ जाती है या फिर स्वेलिंग आ जाती है तो उस कंडीशन में हमें ये सिरप देनी चाहिए। साथ ही माउथ इन्फेक्शन यानी कि मुंह में जब संक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन में भी एजिथ्रोमाइसिन सिरप का उपयोग किया जा सकता है। यूज यानी कि उपयोग के बारे में देखें तो इसका जो डोज रहता है वो होता है 10 mg/kg के हिसाब से इसे दिया जाता है, मतलब 10 mg/kg, मतलब 1 किलो में 10 mg दे सकते हैं और ये ओडी में चलती है, मतलब दिन में 1 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है मोस्ट पॉपुलर सिरप मेट्रोजिल सिरप, मार्केट में मेट्रोजिल नाम से ही मिल जाती है जो कि पेट दर्द या फिर पेप्सिक अल्सर यानी कि पेट में जब छाल हो जाता है उस कंडीशन में दी जाती है किसी भी पेशेंट को या फिर बच्चे को। उपयोग के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है पेप्सिक अल्सर यानी कि जब भी पेशेंट के स्टमक आमाशय में छाले हो जाते हैं या फिर इंटेस्टाइन में छाले हो जाते हैं तो उस कंडीशन में बच्चे को ये मेट्रोफिल जो सिरप है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि जीवाणु संक्रमण, एब्डोमिनल पे इन्फेक्शन,
जब भी किसी पेशेंट के एब्डोमिन पेट में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी मेट्रोजिल सिरप है उसका उपयोग किया जाता है। साथ ही माउथ इन्फेक्शन यानी कि मुंह में जब किसी बच्चे का इन्फेक्शन हो जाता है माउथ में तो उस कंडीशन में भी इस मेट्रोजिल सिरप है इसका उपयोग किया जाता है। डोज यानी कि मात्रा के बारे में डिस्कस करते हैं, इसको भी 10 mg पर kg के हिसाब से, मतलब 10 mg 1 kg के हिसाब से इसे दे सकते हैं किसी भी बच्चे को। और ये ओडी में चलती है, मतलब इसको दिन में एक बार लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सिरप एंड मोस्ट पॉपुलर सिरप एमोक्सिसिलिन सिरप, जो कि मार्केट में पॉपुलर नाम है, मतलब पॉपुलर इसका ब्रांड नेम है। तो इसके यूजेज के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है लंग्स इन्फेक्शन, यानी कि किसी भी बच्चे के लंग्स यानी कि फेफड़ों में जब भी संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने जो करने के लिए एमोक्सिसिलिन सिरप का उपयोग किया जाता है। दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि जीवाणु संक्रमण किसी भी बच्चे को अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हमें वो एमोक्सिसिलिन सिरप है इसका उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है UTI इन्फेक्शन, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जब भी किसी छोटे बच्चे के पेशाब में या फिर यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी जो एमोक्सिसिलिन सिरप है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किडनी इन्फेक्शन, जब भी किसी पेशेंट के किडनी यानी कि वृक्रम में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी एमोक्सिसिलिन सिरप है इसका मेनली उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो इसका भी डोज सेम ही है, मतलब इसको भी 10 mg पर kg, 10 या फिर 15 mg पर kg के हिसाब से देते हैं। और ये BD में चलती है, मतलब दिन में 2 बार इसे दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है मोस्ट पॉपुलर सिरप पैरासीटामोल सिरप, जिसको शॉर्ट में PCM के नाम से भी जाना जाता है, जिसका यूज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूज है वो होता है फीवर, जब भी किसी बच्चे को फीवर यानी कि बुखार आता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो PCM सिरप है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पेन, जब भी किसी बच्चे में पेन होता है बॉडी के किसी भी पार्ट में तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी PCM सिरप है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रनिंग नोज, यानी कि बहता नाक, जब भी किसी पेशेंट को या फिर बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी जो पैरासीटामोल यानी कि PCM सिरप है इसका उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो इसका भी डोज सेम ही है, मतलब 10 mg पर kg के हिसाब से इसे देते हैं। और इसको यह BD में चलती है, मतलब दिन में 2 बार इसे सुबह शाम दे सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारी मोस्ट पॉपुलर सिरप है, उसका नाम है डोमपेरिडोन सिरप, जो कि हेमसेट कंपनी बनाती है। मतलब डोमपेरिडोन एक मोस्ट पॉपुलर सिरप है। यूजेज के बारे में बात करें तो इसका जो मेनली यूजेज होता है वो